दिल्ली की सियासत में काफी हलचल है। राजनीतिक पार्टियों के बैठने का दौर और बैठकों का दौर जारी है। नई सरकार बनाने के लिए फॉर्मूला तय किए जा रहे हैं और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर यही है सूत्रों के हवाले से कि 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राष्ट्रपति भवन में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 9 जून को शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण होगा। चुनावी परिणाम के बाद जो कयास लगाए जा रहे थे, जो प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही थी, उस पर ब्रेक लग चुका है और ये तय हो चुका है तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं। उसकी तारीख भी आ चुकी है, लेकिन तीसरी बार पीएम बनकर अगर उन्हें गठबंधन की सरकार पूरे 5 साल तक चलानी है तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सलाह पर अमल करना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी का ही लिखा है, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। चूंकि बीजेपी इस चुनाव में बहुमत के जादुई आंकड़े तक अकेले बेशक नहीं पहुंची, लेकिन बहुमत उसके साथ है, क्योंकि एनडीए के पास न सिर्फ 272 का स्पष्ट आंकड़ा है बल्कि उसके आगे की करीब 25 सीटों पर भी उसका ही कब्जा है। ये ठीक है कि अपेक्षित परिणाम नहीं है, लेकिन ये भी ठीक है कि जितनी अगर भारतीय जनता पार्टी को सीटें देश की जनता ने देने का काम किया है उतनी सीटें इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल मिलकर के भी प्राप्त नहीं कर पाए। हम 240 से ऊपर सीटें प्राप्त किए हैं और अगर एनडीए चूंकि चुनाव पूर्व का हमारा गठबंधन है उसको 292 सीटों का आंकड़ा हमें दिया है जो बहुमत से काफी ज्यादा है। और देखिए देश में 60 साल के बाद फिर तीसरी बार कोई इतने बड़े बहुमत से सरकार बन रही है, ये 60 साल के बाद हो रहा है और ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का अपना जलवा है, उनका विजन है, उनकी कार्यशैली है, उनके काम करने की जो क्षमता थी, जो उन्होंने देश में काम किए, जो बहन बेटियों के लिए, जो देश के लिए, जो समाज के लिए, जो हर फील्ड में काम किए। एनडीए की सरकार बनाने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। लखनऊ से दिल्ली तक मीटिंग हो रही है। कल सुबह 11 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। कल बीजेपी संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। एनडीए घटक दलों के अध्यक्ष और बड़े नेता शामिल होंगे। कल एनडीए के नेता सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एनडीए की बैठक पर टीडीपी सांसद राममोहन नायडू ने बताया कि एनडीए के सभी नेता खुश। 7 जून को एनडीए सांसदों की बैठक होगी और फिर 9 जून को मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मेरे जहाँ तक मैं तो पर्सनली अटेंड नहीं किया, पर हमारे नेता चंद्रबाबू नायडू जी उस मीटिंग में थे और इतना ही हुआ कि एनडीए को मजबूत दिखाने की एक कोशिश सारे नेता सब मिलकर देश को भी एक विश्वास दिलाना है कि एक अच्छा सा मजबूत सरकार अभी आगे भी बनने वाली है, तो उसके लिए देश के लोगों को भी एक मैसेज देना बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से वही एक बैठक हुई और सभी खुश नजर आ रहे थे और सभी आगे बढ़ने की सोच में है। तो 7 तारीख को एनडीए के एमपीस के साथ एक और बैठक रहेगी, उसके बाद 9 तारीख को मोदी जी का स्वेयरिंग इन सेरेमनी रहेगा। पिछले 2 चुनावों से करारी शिकस्त झेल रहे विपक्ष के लिए ये चुनाव संजीवनी की तरह रहा। आंकड़ों में बहुमत से काफी दूर तक इंडिया गठबंधन ने भी सरकार बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नीतीश और नायडू को पाले में नहीं ला पाने के बाद अब इंडिया गठबंधन ने विपक्ष में बैठने का फैसला किया है। द इंडिया ब्लॉक विल कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट द फैसिस्ट रूल ऑफ द बीजेपी लेड बाय मोदी। वी विल टेक appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision। यानी सरकार फिर से नरेंद्र मोदी ही बनाने जा रहे हैं, जिसकी तारीख पर करीब करीब फाइनल मुहर लग चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
नई सरकार में हर गठबंधन का नेता अपनी पार्टी के लिए कोई ना कोई मंत्रिमंडल की डिमांड कर रहा है, लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने साफ कर दिया है मंत्रालय पर कोई बार्गेनिंग नहीं होगी। हालांकि उन्होंने अग्निवीर योजना के लिए समीक्षा करने की बात जरूर कही, साथ ही उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की भी इच्छा जाहिर की है। तो एक बड़ी राहत की बात हो सकती है ये जेडीयू की तरफ से कि मंत्रिमंडल को लेकर कोई बार्गेनिंग नहीं। अब इसके मायने दो निकलते हैं, एक कि मंत्रिमंडल की ओर से कोई मजबूत दावेदारी उनकी ओर से नहीं रखी जाएगी, दूसरा ये कि जो बात उन्होंने रख दी है वही मंत्रिमंडल में वही पद चाहिए, कोई बार्गेनिंग की गुंजाइश नहीं बचती है। और दूसरी तरफ जो दो और अहम बात उन्होंने कही है, अग्निवीर योजना को लेकर समीक्षा की बात कह दी है। अग्निवीर योजना वो योजना है जो पिछली सरकार के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल रही। पिछली सरकार अग्निवीर योजना के तमाम फायदे बताती रही है, अग्निवीर योजना लागू है और अब इसकी समीक्षा की बात जेडीयू की ओर से कही जा रही है। और दूसरी तरफ बिहार को स्पेशल स्टेटस की डिमांड, ये बहुत लंबे वक्त से ये मांग बिहार की ओर से बार बार रखी जाती रही है, अब तक इस मांग को पूरा नहीं किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा इस मांग पर इस बार विचार होता है और कोई बड़ा फैसला लिया जाता है। टीडीपी ने भी वहां आंध्र के लिए स्पेशल राज्य का दर्जे की मांग की है। तो ये दो बड़े मांग इस वक्त दो बड़ी मांगें दिख रही है जेडीयू की तरफ से। प्रचार गलत है, लेकिन जब हम एनडीए का हिस्सा हैं तो कुछ मंत्री पद हमारे हिस्से में आएंगे। ये प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी के बीच में है, ना कोई बार्गेनिंग है, ना कोई डिमांड है, ना कोई नाराजगी है। हाँ, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले ये हमारी इच्छा जरूर। दो महत्वपूर्ण विषय है, वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी पर जेडीयू का क्या मत होगा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन पर हम सरकार का समर्थन कर चुके हैं। यूसीसी पेचीदा विषय है, सभी को साथ लेकर, सभी को विश्वास में लेकर, सभी से चर्चा करके इस विषय को तलाश करना चाहिए। एनडीए के अहम सहयोगी चिराग पासवान की पार्टी के चिराग पासवान मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, उनका जीत का प्रतिशत 100% रहा है। नई सरकार के गठन पर चिराग पासवान ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार तीसरी बार बनने जा रही है देश में, यानी कि प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भाई, मैं बहुत पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूँ, महादेव में बहुत विश्वास रखता हूँ और महादेव ने बहुत कुछ दिया है। बहुत नाशुकरा होऊंगा मैं कि इसके बाद भी अब कोई इच्छा रखूँ या महत्वाकांक्षाएं रखूँ। जैसा मैंने कहा, मेरे लिए बड़ी बात है कि हम लोगों ने अपने लक्ष्य को पूरा किया, प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, बड़ी बात है। कल बैठक हुई, सभी साथी वहां पर एनडीए के थे, वहां पर क्या कुछ बातचीत हुई, किस तरीके से एक सुर में सभी लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से उसी रूप में चुना? ये मेरे प्रधानमंत्री के नेतृत्व की जीत है भाई। कई लोग होता क्या ना, हम लोगों ने खुद ही अपने लिए इतने बड़े बड़े लक्ष्य रख दिए कि अगर हल्की सी भी चूक रह गई तो आज सवाल उठ रहे हैं कि भाई आप लोगों ने वो टारगेट पूरा नहीं किया। पर आप ये बताइए, कोई सामान्य बात नहीं है। और अगर मेरी जानकारी सही है इतिहास को लेकर, तो दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब लगातार तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ वो लेने जा रहे हैं। तो ऐसे में ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं मानता हूं जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पर, उनके नेतृत्व पर देश की जनता ने भरोसा किया, एनडीए का हर एक घटक दल बिना किसी शर्त के मेरे प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखता है। कल एनडीए लीडर्स की जो बैठक थी उसमें एक स्वर से हम लोगों ने पूरा समर्पण हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति रखा है और ना सिर्फ मजबूती से हम लोग चुनाव लड़े जीते, अब मजबूती से सरकार बनाएंगे और 5 साल तक वो सरकार चलेगी। इस चुनाव में अखिलेश यादव यूपी में सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें हैं और ऐसे में अखिलेश यादव ने दावा किया कि आज नहीं तो कल सरकार जरूर बनेगी। साथ ही उन्होंने अग्निवीर योजना को खत्म करने की भी मांग की है। मैं समझता हूँ अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। जैन जी से बातचीत करेंगे, सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है, उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। अखिलेश जी, अखिलेश जी, इतनी सीटों की उम्मीद थी और भी ज्यादा। शपथ 7 तारीख को राष्ट्रपति ने समय ले लिया, तो अच्छी बात है, वो तो गिनती है,
गिनती जिसके पास होगी राष्ट्रपति उसी को शपथ पे बुलाएंगे, फिर गिनती बदल जाएगी, फिर कोई और शपथ देगा, ये क्या बात हुई। इधर शिवपाल यादव से भी न्यूज 18 ने बातचीत की है और इस दौरान बीजेपी पर और बीजेपी सरकार पर शिवपाल ने तीखे हमले किए, साथ ही मायावती पर भी निशाना साधा। देखिए ये जो चुनाव हुआ है 2024 का, तो जो परिणाम आए उनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता के आधार पर आज ही उत्तर प्रदेश की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, और इसलिए दे देना चाहिए जो परिणाम आए हैं अगर उसमें आज पता कर लेना समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, तो इसलिए तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, ये तो एक अभी भाजपा भी अभी इसमें लगी है कि समीक्षा कर रही है क्या गलती हुई, और तमाम सीटें आपकी भी रही, आप लोग भी समीक्षा कर रहे हैं कैसे। अयोध्या की बात की जाए, अयोध्या की बेहद चर्चा हो रही है, अयोध्या की सीट आपने जीती है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबके हैं, हमारे भी हैं, तो वो हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं, रहेंगे, और आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देखिए उस तरीके से जो उनका मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, तो उन्होंने और हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने वहाँ नागरिकों पर समान दृष्टि से देखा, तो इसलिए देखिए वहाँ की जनता सेकुलर है, और असली जो राम भक्त के हैं, राम के सेवक हैं के रूप में हैं, उन्हीं को जिताया है। इधर कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव हारने के बाद बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम योगी से मिलने के बाद पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने झूठ फैलाकर बीजेपी का नुकसान किया है, सपा ने मुसलमानों के आरक्षण देने का कोई गुप्त समझौता किया है, सपा ने मुसलमानों से आरक्षण देने का एक गुप्त समझौता हुआ और इसलिए मुसलमानों ने बिना सीट दिए ही एसपी का समर्थन दिया। भविष्य में पिछड़ों दलितों के आरक्षण का लाभ मुसलमानों को देने के एसपी के समझौते को उजागर करेंगे, ये बात भी सुब्रत पाठक ने कही। मुलाकात है, बस चुनाव परिणाम को लेकर चर्चा हुई है, और आगे जिस प्रकार से ये झूठ फैलाकर जो समाजवादी पार्टी के द्वारा जो नुकसान भाजपा का किया गया, ये भविष्य में इसको हम लोग ठीक करेंगे। सर, समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये जनता ने इनको नकार दिया है, बीजेपी को नकार दिया है, जनता ने इनकी सच्चाई जान ली है, ये तमाम चीजें। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों से गुप्त समझौता किया है कि वो उनको सरकार में आने के बाद में उनको आरक्षण देंगे, और यही कारण रहा कि मुसलमानों को टिकट मिलने न मिलने के बावजूद भी उन्होंने एक तरफा मतदान किया है, तो वो भविष्य में पिछड़ों का एससी का आरक्षण का बंटवारा का लाभ उनको मिले, ये उनसे गोपनीय समझौता है। अब हम लोग इसको जाकर लोगों के बीच में इसको उजागर करेंगे। सर, प्रदेश में जो भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ है।